हम लोग करीब घर से 80 किलोमीटर तक आए हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिए किए हैं। और बहुत ही खतरनाक। नमस्ते दोस्तों, और एक नया ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। और ये दोस्तों देखिए, यहाँ पंचड़ू बाबा शनि महाराज का मूर्ति है, और ये जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वो है पंचड़ू बाबा। और ये दोस्तों, ये पंचड़ू बाबा का पुजारी है, और यह पंचड़ू बाबा जो पहाड़ है उसके ऊपर और मंदिर है। क्या मंदिर है? और गुफा भी है। गुफा भी है, उसी का बाबा है पंचाड़ू बाबा। उसी का मूर्ति बना है। हम लोग का इलाका का प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है पंचाड़ू बाबा। यार यही सामने विजयजिया ब्लॉक्स का भी घर है क्या? और दोस्तों, इसके पीछे जस्ट विजयजिया ब्लॉक्स का घर है, और ये रहा शनि महाराज। और हम लोग दोस्तों कहीं जा रहे हैं, और रहा मेरा दोस्त, तो हम लोग वीडियो हम लोग यहीं से आज स्टार्ट किए हैं पंचाड़ू बाबा से। तो चलिए मिलते हैं आगे में, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग देखिए। और बाबा को दक्षिणा के प्रसादी लेंगे अभी हम लोग। थोड़ा प्रसादी लेंगे हम लोग। घर के सामने पे दोस्तों हम लोग एक अननोन सफर के लिए निकल पड़े हैं। और ये दृश्य देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो जंगल के बीचों बीच रास्ता गया है और मनमोहित कर दे रहा है मेरा। हमको लग रहा है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है ये दृश्य। अगर दोस्तों आप लोग अच्छा लग रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिए। हम लोग पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं, और हम लोग बाइक में पेट्रोल डला रहे हैं दोस्तों, और 400 रुपया का हम लोग पेट्रोल लिए, यहां से फिर से निकल पड़ेंगे। ये दृश्य दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों बादल के वजह से और अच्छा लग रहा है, और पहाड़ के ऊपर बादल दिख रहा है, और रोड काफ़ी फाँका है, और उसी में जाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग का आगे आगे देखिए क्या मोटर्स का कार चल रही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये दोस्तों हम लोग घाटी पहुँच गए हैं, और घाटी उतर रहे हैं, और ये काफ़ी डेंजरस जगह है दोस्तों, और यहाँ पर बराबर एक्सीडेंट होते रहता है। और दोस्तों हम लोग देखिए घाटी उठ रहे हैं, और साथ साथ हम लोग आगे बहुत सारा कार भी आगे चल रही है। और ये अंधा मोड़ दोस्तों सख्त चेतावनी है यहाँ पे, और संभल के गाड़ी उड़ी चलाना चाहिए यहाँ पे, और स्पीड काफ़ी कम होना चाहिए। इसी तरह रास्ता मतलब टर्निंग विथ ऑफ है, इसीलिए ऑटोमेटिक गाड़ी थोड़ा धीरे चल रही है। और आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग का भी बाइक थोड़ा स्लो हो गया है, और एक नंबर में गाड़ी उठाना पड़ रहा है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा टर्निंग है, और हर जगह पे यहाँ पे बोर्ड दिया गया है, और बताया गया है ये अंधा मोड़ है, गाड़ी स्पीड नहीं चलना चाहिए, 10 या 20 किलोमीटर स्पीड गाड़ी चलाना चाहिए। बार बार यहाँ पर चेतावनी दिया गया है, यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, देखिए अंधा मोड़ है, गति सीमा 10 किलोमीटर पर आवर का है। तो इसी तरह संभल के घाटी में चलना होता है, तभी जाके सेफ रहते हैं। और अभी घाटी बहुत बड़ा है, और हम लोग स्पीड देखिएगा बाइक का बहुत स्लो चल रहे हैं, 20 या 30 का किलोमीटर ऐसा स्पीड चल रहे हैं हम लोग। और आप लोग स्पीड दिखा रहे हैं कि 28 चल रहा है, और हम लोग और भी आप जा रहे हैं। इस घाटी को पार करने से हम लोग झारखंड का कैपिटल रांची पहुंच जाएंगे, और रांची महेंद्र सिंह धोनी का भी शहर है दोस्तों, तो ही जाने का प्लान है। हम लोग शुरू से प्लान बनाए हैं जब घर से निकले हैं। वीडियो में टाइम स्लिप में शूटिंग कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग घाटी को सेस कर देंगे दोस्तों, घाटी खत्म हो जाएगा। करीब घर से 80 किलोमीटर तक आए हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिए किए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टी स्टॉल है, और चाय पियेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और 80 किलोमीटर बाइक से चलने के बाद काफ़ी पेट जकड़ लिया है, इसी की वजह से हम लोग थोड़ा रेस्ट किए हैं। और यहाँ पे दुकान भी है देखिए, और फास्ट फूड का है, तो हम
हम लोग कुछ खाएंगे और चाय पियेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर निकलेंगे। ले रे ले, सब पानी हेलमेट ले लिए हैं भाई। हम लोग दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का सिटी पहुंच चुके हैं और ये रिंग रोड का चौराहा है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं ये पर रिंग रोड है और यहीं से रांची को घिर के रखा है रिंग रोड से चारों तरफ। और दोस्तों हम लोग उसी रिंग रोड में चल रहे हैं अभी और इसी रास्ता में जाएंगे और इसी रास्ता में महेंद्र सिंह धोनी का भी घर है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा। बारिश होने लगा, ड्रेस क्वेश्चन हो गया हम लोग का। और दोस्तों मैं रांची का मेन रोड में घूम रहा हूँ वैसे ही पैदल, वीडियो बनाने के लिए घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये रहा रांची का मेन रोड, इसको फिरैलाल चौक भी बोला जाता है। इतना सारा कार यहाँ पर खड़ी हुई है, बस यहाँ से निकलेंगे अब। तो दोस्तों हम और ये मेरा दोस्त है, हम लोग गए थे एक अनन सफ़र में और वो सफ़र करीब पूरा होने का है। मतलब हम लोग गए थे एकदम रांची, झारखंड का कैपिटल रांची पहुँच गए थे और अचानक प्लान हुआ हम लोग का। क्या अचानक प्लान हुआ? तो हम लोग घर से रांची करीब 100 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर का अनन सफ़र हम लोग तय किए। तो उसके बाद वापस हम लोग फिर उसी घाटी में आए हैं और हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था। क्या अभी हम लोग बरसाती पहने हुए हैं और हम लोग प्लान बना के ही ले गए थे, हेलमेट दोनों का हेलमेट है हम लोग का और दोनों का बरसाती है, इसी की वजह से हम लोग सब ले लिए हैं क्योंकि आजकल बारिश का दिन है तो बारिश होगा ही। बारिश हुआ भी था और इसी की वजह से और भी वीडियो नहीं बना पाए। और ये जो घाटी है ना बहुत ही खतरनाक घाटी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सख्त चेतावनी है, यहाँ पे अंधा मोड़ और गति सीमा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलने बोल रहा है, लेकिन कौन मानता है स्पीड की वजह से एक्सीडेंट भी होता है। और ये बहुत खतरनाक रास्ता है दोस्तों ये घाटी हम लोग का। तो हम लोग ये वहाँ पे लिखा हुआ है सावधान, वहाँ पर भी लिखा हुआ है मौत की घाटी है, सावधान मौत की घाटी है। और बराबर एक्सीडेंट होते रहता है यहाँ पे। क्या एक्सीडेंट दोस्तों यहाँ बराबर होते रहता है क्योंकि लोग दारू पी के भी गाड़ी चलाते हैं, रेकलेस ड्राइविंग है, बहुत बड़ा इशू है एक्सीडेंट का। तो ये हम लोग का घर करीब 40 किलोमीटर हुई है और अभी करीब 5:30 बजे निकल गए, शाम हो जाएगा घर पहुँचते। तो हम लोग सुबह निकले थे और रात करीब होने को आ गया है, शाम हो जाएगा, रात नहीं होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब मेरे आगे पीछे कितना गाड़ी चल रही है देखिए। और दोस्तों ये रहा हम लोग घाटी, अभी हम लोग घाटी में हैं और ये सबसे घर से भी किसी जा रही गाड़ी है और बहुत ही खतरनाक रास्ता है और घाटी से ही हम लोग का वीडियो ऑन होगा और काफ़ी व्यू भी बहुत ही अच्छा है देखिए इधर। दोस्तों ये रहा सिकिदरी घाटी जो बहुत ही खतरनाक घाटी है। क्या और इसी रास्ता से मतलब तो ये हम लोग बंगाल से डायरेक्ट हम लोग रांची आए हैं जो झारखंड का कैपिटल है और इसी रास्ता से पास होता है थोड़ा और ये बहुत ही खतरनाक घाटी है जो हम लोग स्थित है और यहीं इसके नीचे जस्ट ये घाटी ख़त्म हो जाएगा। और आज का वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट और एक वीडियो में।